जी नमस्कार जी। हमारे समय में था कि जब राखी या भैया जाता था तो हमें हमारी माँ या बाप दोनों राखी पहले ही बांधने देते थे, कहते पहले मेरी बहन को आने दो फिर उसके बाद तुम राखी बांधोगे। सबसे बड़ी बेटी घर की, हमारी बेटी पहले वो है फिर आप हो, तो वो संस्कार हैं थोड़े। तो इसी पे एक ये रिश्ता है भुआ का, बड़ा प्यारा रिश्ता है। वो एक दिन बहुत और अधिक महत्व रखता है क्योंकि बेटियां तो बाद में आती हैं, पहले पिता की बहन आती है। भुआ भुआ होती है चाहे सगी हो, चचेरी हो, ममेरी हो, पापा की बहन होती है भुआ। बहुत लाडली होती है भुआ, घर की पहली रौनक होती है। पापा का मान होती है, त्योहारों की रौनक होती है। जब तक भुआ नहीं आती कोई कार्य शुरू नहीं होता। और एक दिल्ली में और रिवाज था कि दिवाली पर भी भुआ आके ना जहाँ पूजा होती है वहाँ आके लड्डू रखती, थम बोलते थे उसको, तो वो भी भुआ के द्वारा ही होता था। बर्थडे हो, शादी हो, कुछ हो, तो भुआ ही उसकी शान होती है। भुआ माँ का अभिमान होती है, भुआ हमारी ढाल होती है, खुशियों का थाल होती है और कलई का धागा होती है। भुआ रसमलाई सा एहसास होती है, घर में बड़ी लड़की समान होती है, राखी का इंतजार होती है, भैया दूज का त्योहार होती है। जिनकी बड़ी बहन नहीं होती उनके आने का एहसास होती है। पापा के जाने के बाद पापा का प्यार भी भुआ ही देती है, घर को पूरा सम्मान देती है, इसलिए सबको प्यार व लाड होता है। एक दो बातें मैं बोलूंगी। बेटी के बाद माता पिता का कौन ख्याल रखता है? भाई और भाभी। भाभियां भैया को देती हैं जीवन भर साथ ही, भाभियां और माँ के रहने पर माँ की जगह लेती हैं ये भाभी।